रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। खैर, आपकी तसल्ली के लिए बता दें कि यहाँ हादसा तो हुआ, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। लेकिन ये मंजर देखकर आपका दिमाग जरूर चकरा गया होगा। आखिर ये हुआ कैसे? पूरा का पूरा रेल इंजन स्टॉपर को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर ही चढ़ गया। दरअसल हादसे की ये तस्वीरें हैं यूपी के मथुरा जिले की, जहां बीती रात रेलवे स्टेशन पर मौजूद यात्री उस वक्त हक्का बक्का रह गए जब अचानक से ईएमयू ट्रेन स्टॉपर को तोड़ते हुए मथुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दनदनाते हुए चढ़ गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा ट्रेन ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। गाजियाबाद की तरफ से आ रही शकूर बस्ती मथुरा ईएमयू ट्रेन अचानक स्पीड बढ़ने से प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई, जिससे प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मच गई। इस दौरान एक बच्चा चपेट में आ गया, हालांकि उसकी जान बच गई। ऊपर वाले का करम ये भी था कि सभी मुसाफिर पहले ही ट्रेन से उतर चुके थे, इसलिए हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वरना ट्रेन की जैसी हालत है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना बड़ा हो सकता था। रेलवे के अधिकारियों ने इस घटना पर क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुन लीजिए। गाड़ी सकूर बस्ती से आती है, ईएमयू है, अभी 22:49 पे आई थी। गाड़ी खड़ी हो गई, पैसेंजर सब डिबोर्ड हो गए और गाड़ी अचानक कैसे ये चढ़ गई है इसका भी हम पता करेंगे, ठीक है ना। और बात करें तो कितनी गाड़ी प्रभावित है, कितनी गाड़ियों का? नहीं, अभी इसका ओएचई टूटा है और ये अब की गाड़ियाँ कुछ प्रभावित हो रही हैं, डाउन की गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है ना। आपकी कितनी गाड़ियाँ प्रभावित हुई है? एक गाड़ी बता रहे हैं ना, मालवा अभी प्रभावित है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक घटना के कारणों की जाँच चल रही है, कुछ अपलाइन पर भी असर पड़ा है, ट्रेन को दुरुस्त करने का काम भी जारी है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? खुदा ना खास्ता कोई भी यात्री इसका शिकार हो जाता तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होता? आखिर क्यों रेल विभाग के कर्मचारी से लेकर अफसर तक इन हादसों से सबक नहीं लेते? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।